शक्ति और खुशियों के पर्व के 9 दिन पूरे हो रहे हैं। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत से पहले देश देवी के 9 रूपों की आस्था में डूबा है, तो नवरात्र का ये पर्व परंपराओं के गरबा से भी सजा है। नवरात्रों का ये त्योहार पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 9 शक्तियों की उपासना के साथ, डांडिया की धूम के साथ, फिर मंदिरों में देवी की आरती के साथ आराधना हो रही है, तो इस पर्व पर फिल्मी सितारे भी आस्था के साथ साथ खुशियों का गरबा भी पेश कर रहे हैं। आज हम आपको नवरात्र के आखिरी दिन यानी महानवमी पर भक्ति, शक्ति और खुशियों के इस पर्व के पूरे 9 रंग दिखाएंगे। तो रंगारंग नवरात्र का पहला रंग हम गुजरात के मशहूर गरबा से करते हैं। नवरात्र के इस रंग में खुशियां हैं, परंपराएं हैं, उत्साह है, तभी तो नवरात्र का ये रंग सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक में भी मशहूर है। ये गुजरात का गरबा है जो एक मशहूर लोक नृत्य है। संस्कृत के गर्भ द्वीप से निकला ये शब्द आज गुजरात में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र की पहली रात्रि से शुरू होने वाला ये गरबा महानवमी तक चलता है। ये उसी अम्बे माँ का आशीर्वाद हम पर बने रहे और हम डेली 9 दिन ऐसे हम मैं और मेरी पार्टनर या मेरी फ्रेंड है खुशबू राजपूत हम दोनों गरबे खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लोक गीतों से शुरू हुआ गरबा मॉडर्न हुआ तो बॉलीवुड के सुपरहिट गानों तक जा पहुंचा। गुजरात का ये गरबा पारंपरिक पोशाकों से जरूर खेला जाता है, लेकिन अब गरबा पोशाकों पर डिजाइनरों की छाप होती है। अब गरबा में हिस्सा लेने वाली महिलाएं जबरदस्त मेकअप और फैशनेबल टैटूज के साथ डांस करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों चारों पांचों ने टैटू बनवाए हुए हैं, तो ये यहाँ के गरबे की एक मॉडर्न झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जितने खूबसूरती के साथ लड़कियां सज धज के लहंगे चोली में तैयार होकर आई हैं और ज्वेलरी पहनकर आई हैं, उतनी ही अहमियत इनके इस टैटूज में भी है जो इनकी ब्यूटी को और बढ़ा रही है। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी इन टैटू के सीक्रेट्स क्या है। मैंने देखा कि आपके पीछे जो टैटू ये बना हुआ था बहुत ही सुंदर सा है, लेकिन ये स्टिकर की तरह लग रहा है, तो ये आपने कहाँ से बनवाया? वो मैंने बाजार से अपलोड किया है और एक गर्ल और बॉय डांडिया खेल रहे हैं, तो ये डिजाइन जो है डांडिया से इंस्पायर डांडिया सा है इस फेस्टिवल के लिए। ये मेरा टैटू आर्टिकल टैटू है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया, एटलीस्ट इसलिए मैंने टैटू बनवाया है। गुजरात के इस गरबा में पुरुष भी हिस्सा लेते हैं और सबके अलग अलग ग्रुप बनते हैं, लेकिन महिलाएं गरबा को लेकर खास तौर पर उत्साहित रहती हैं। ये गरबा कुछ ऐसा होता है कि जो देखे उसका थिरकने को दिल करता है। वैसे तो गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा का लोक नृत्य है, लेकिन गरबा मशहूर हुआ तो बॉलीवुड तक जा पहुंचा। और अब देखिए ना नवरात्र का ये दूसरा रंग। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट गरबा के साथ अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंचे। नवरात्र के इस रंग में आलिया तो ऐसी रंगी कि अपने फैंस की तरफ फ्लाइंग किस देने लगी। पता नहीं, आई लव यू।
शानदार गरबा करने सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि मुंबई में भी पहुंचे और फिर यहां शुरू हुआ शानदार के सुपरहिट गाने गुलाबों पर शाहिद और आलिया का डांस। गरबा सिंगर कही जाने वाली फाल्गुनी पाठक ने गाना गाया, शाहिद और आलिया ने जमकर डांस किया। धर्म श्रद्धा और आराधना के इस त्योहार पर गुजरात के जूनागढ़ से गरबा का एक रंग ये भी नजर आया। जी हाँ, इस गरबा को देखने के लिए गुजरात के कोने कोने से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिलाएं कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर गरबा कर रही हैं। वो कांच पर ऐसे चलती हैं जैसे फूलों पर चल रही हैं। जूनागढ़ के थाना रोड के भोईवाड़ा इलाके में बरसों से इसी तरह कांच पर गरबा होता है। ये गरबा मंडली कांच पर चलकर माँ अद्य शक्ति की आराधना करती है। पहले बोतलों को तोड़कर कांच को जमीन पर सजाया जाता है और फिर नुकीले टुकड़ों पर गरबा किया जाता है। जूनागढ़ के नवाब साहब भी ये गरबी देखने आते हैं। उसी साल से बहुत ही प्राचीन गरबी ये चली आ रही थी और अर्वाचीन युग में, टेक्नोलॉजी के युग में ये प्राचीन गरबी बिल्कुल ही श्रद्धा का स्वरूप है। जूनागढ़ की इस गरबा मंडली का कहना है कि गरबा एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें अब फिल्मी गाने बजते हैं, जिसकी वजह से संस्कृति को लोग भूल चुके हैं। वडोदरा से मीनाक्षी कांडवाल और जूनागढ़ से साजिदा खान के साथ आज तक ब्यूरो। नवरात्र का ये रंग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। जी हाँ, आप देख सकते हैं दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना की जा रही है। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण और चकाचौंध वाला त्योहार माना जाता है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आस्था और आराधना के इस पर्व पर लोग माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ के दुर्गा पंडालों की आरती भव्य और दिव्य होती है तो देश के कोने कोने से लोग दुर्गा माँ के शीश झुकाने पहुँचते हैं। दुर्गा पूजा नवरात्र के छठे दिन से लेकर विजयदशमी तक चलती है। महानवमी पर देश की राजधानी दिल्ली के मंदिरों में दुर्गा माँ की आराधना चल रही है। माँ के भक्तों से मंदिर पटे पड़े हैं। शक्ति की देवी के आशीर्वाद के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की हैं। यहाँ नवरात्र की कन्या पूजा चल रही है। अष्टमी का दिन कन्या पूजन का विधि विधान है और कन्या पूजन की मान्यता है। यहाँ पर झंडेवाला मंदिर में पूजा के बाद यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को कन्या भोज कराया जा रहा है। यहाँ इसको कंजक कहते हैं और ये बच्चे भी, क्योंकि आज का दिन का दिन होता है, पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और दिल्ली के कालका जी मंदिर में भक्ति की ये तस्वीरें देखिए। माँ कालका के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मंदिरों में नवरात्रि की धूम है और सबसे पहले आपको माता रानी के दर्शन करा देते हैं। माँ कालका का दिव्य स्वरूप आप देख सकते हैं यहाँ पर। माँ के आज आठवें स्वरूप की यानी कि महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और कालका मंदिर ये स्वयं माँ की जो ये दिव्य प्रतिमा है, ये दिव्य रूप से माँ स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई है और उनकी पूजा अर्चना करना यहाँ पर आज के दिन विशेष महत्व माना जाता है।
दुर्गा उत्सव दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग माँ से प्रार्थनाएं मांग रहे हैं। दुर्गा का मतलब है दुखों को हरने वाली देवी। फिर हर कोई माँ से अपने तमाम दुख दर्द दूर करने के लिए शीश झुका रहा है। ये मुंबई का मुंबा देवी मंदिर। मुंबई के भुलेश्वर में बने इस 400 साल पुराने मंदिर में आस्था का जमघट लगा है। मुंबा देवी के मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं और नवरात्र के आखिरी दिन उन्हीं मान्यताओं के लिए भक्त देवी के दर पर खींचे चले आ रहे हैं। अष्टमी और नवमी पर मुंबा देवी की पूजा का खास महत्व माना जाता है। आप देख सकते हैं देवी की आरती की जा रही है और भक्त शक्ति की इस देवी से मुरादें मांगने आए हैं। देख रहे हैं कोलकाता से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आखिरकार कैसे मनाया बंगाल के टाइगर सौरभ गांगुली ने और बंगाली क्वीन विद्या बालन ने दुर्गा पूजा का त्योहार, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोलकाता में दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। फिर कोलकाता के आम भक्त क्या, बड़ी बड़ी नामी हस्तियां भी माँ दुर्गा के सामने शीश झुकाती हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी दुर्गा उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और देख सकते हैं सौरभ का पूरा परिवार दुर्गा पंडाल में है और गांगुली दुर्गा आराधना के लिए दुर्गा माँ के दरबार में है। बंगाली बाला विद्या बालन दुर्गा माँ की भक्त हैं। इस बार विद्या का ये पहला मौका है कि वो दुर्गा पूजा के वक्त कोलकाता में नहीं है और माँ की आस्था में मुंबई के उस दुर्गा पंडाल आई है। दुर्गा माँ के साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्ट है कोलकाता की वजह से। मैंने कहानी की शूटिंग दुर्गा पूजा के वक्त की कोलकाता में और बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं उससे जुड़ी हुई। और पहली बार मैं मुंबई में एक दुर्गा पूजा में आ रही हूँ। विद्या बालन दुर्गा पंडाल पहुंची तो पूरी परंपरागत पोशाक में। कोलकाता से मनोज लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। महानवमी पर कैसे जगमगाया मैसूर का महल, दिखाएंगे आपको इस छोटे से। मैसूर के महल की भव्यता पूरा विश्व जानता है, लेकिन दशहरा के पहले या यूं कहें नवरात्र के अवसर पर कैसे जगमगा उठता है ये महल, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, मैसूर का दशहरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महानवमी पर मैसूर का जगमगाता हुआ महल। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले मैसूर में 400 सालों से लगातार नवरात्र का त्योहार ऐसे ही मनाया जाता है। मैसूर में वाडेयार राजवंश ने दशहरे की इस परंपरा को शुरू किया था, फिर तो विदेशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। मैसूर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नौ रंग नवरात्र के में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के